मैं हूं अभी दुस्सैन शेख, आपका खैर मकदम है फोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर नया ट्विस्ट। सीसीबी को एक और संदिग्ध आतंकी का मिला पता। धमाकों की साजिश में आठवें संदिग्ध आतंकी का सुराग। एक और संदिग्ध आतंकी जो पहले बेंगलुरु आया था, वो व्यक्ति जो संदिग्ध आतंकी जुनैद के आदेश पर यहां आया था। जुनैद जिसने अब गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों की पहचान कराई थी, वो अजनबी व्यक्ति जिसने जनवरी में पहला पार्सल पहुंचाया था। काला पार्सल बॉक्स व्यक्तिगत रूप से दिए जाने की जानकारी मिली है। इससे पहले पार्सल में पिस्तौल, जिंदा गोलियां, बारूद थी और 11 जुलाई को ग्रेनेड सप्लाई किया गया था। आठवें संदिग्ध आरोपी को इसी सवाल पर ग्रेनेड की जानकारी मिलते ही सीसीबी का ऑपरेशन शुरू हुआ। पकड़े गए 5 आरोपियों को दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का बयान। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी है। संदिग्ध आतंकी 7 दिनों तक सीसीबी पुलिस की हिरासत में। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए राज्य के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि सीसीबी पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन 5ों के ताल्लुक से जांच की जा रही है। इनका ताल्लुक कहीं किसी दहशतगर्द संगठन से तो नहीं है, ये पता चलना अभी बाकी है। इन 5ों को पुलिस के सख्त पहरे में रखा गया है। इन्होंने ये भी बताया कि हमें ये भी खबर मिली है कि 5ों कुछ गैरकानूनी काम करने की तैयारी कर रहे थे। इस मामले की जांच पुलिस को करनी चाहिए या इसको NIA के हवाले करना चाहिए, ये देखा जाएगा। बताया कि इनके कब्जे से देसी पिस्तौल, वॉकी टॉकी और कुछ हथियार जब्त किए गए हैं, जबकि इन आरोपियों की जांच चल रही है। अभी ये कहना गलत होगा कि ये दहशतगर्द हैं या नहीं, कहा होम मिनिस्टर ने। बेंगलुरु में दौड़ेंगी बिना ड्राइवर के ट्रेन। BMRCL की तैयारी। इस साल के आखिर में राज्य की राजधानी में दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन होगी बिना ड्राइवर के, बिना लोको पायलट के। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेन कंट्रोलर की मदद से ये काम RV रोड बॉम संद्रा की मार्गों पर पहले चरण में दौड़ने का प्लान। 19 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से करीब कालीन अग्रहार नागवार से दौड़ने की तैयारी। ट्रैक बदलने के दौरान कोई भी समस्या ना होने की इसमें होगी व्यवस्था। लोको पायलट के बिना मेट्रो में ट्रेन ऑपरेटर अकेला ही करेगा पूरा काम। नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन खरीदने के लिए आगे आया है BMRCL। जेल के कैदियों से भी कम है गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह। अतिथि शिक्षक, गेस्ट फैकल्टी, बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले टीचरों को भीख मांगने की नौबत आई है। कहा, शिक्षकों ने कितनी परेशानी, हमें इस जहन्नम से छुटकारा दीजिए या मरने की इजाजत। 10,000 तनख्वाह से क्या होगा, हमारे एक महीने की तनख्वाह सरकारी ऑफिसर्स के एक दिन के होटल के बिल के बराबर है। इतने साल मेहनत और पढ़ाई करके परिवार का सहारा बनने की बजाय हम ही बेसहारा हो रहे हैं। क्या फायदा हमारे शिक्षक बनने का, हमसे तो अच्छी हालत उन जेल में रहे कैदियों की है जिन्हें मजदूरी पर रोजाना 550 रुपये दिए जाते हैं और हमें सिर्फ 330। आंखों से आंसू बहाते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। बेंगलुरु में अपने कई मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के इन टीचर्स ने, जिनके साथ मासूम बच्चे भी थे मौजूद। बहरेपन का शिकार 7 बच्चों का कामयाब ऑपरेशन। जन्म से बहरेपन का शिकार बच्चों को रायचूरू का रिम्स हॉस्पिटल बना वरदान। बच्चों के बहरेपन के ला इलाज बीमारी से मायूस माँ बाप को मिली खुशियां, खुशियों की सौगात। जी हाँ, कॉलिकियर इम्प्लांट की कामयाब सर्जरी से ये बच्चे अब सुन सकते हैं हर एक की आवाज। शरारत करने पर स्कूल टीचर और माँ बाप की डांट भी। सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत स्कीम को इससे जोड़े जाने से कॉलिकियर इम्प्लांट सर्जरी से मिला इन बच्चों को सुनने का मौका और परिवारों को फायदा।
कल्याण कर्नाटका रिम्स हॉस्पिटल ने महंगी सर्जरी के चलते गरीब परिवार इस इलाज को लेकर चिंता में थे। ऐसे 500 बच्चों की सर्जरी का टारगेट बनाया है इस हॉस्पिटल ने। रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, देश में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। हालांकि एसी क्लास के मुसाफिरों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो आम क्लास के यात्रियों को नहीं मिलती। रेलवे विभाग ने अब इसी भेदभाव को भुलाकर सभी को यह सुविधा सहूलत देने के लिए बड़ा अहम कदम उठाया है। जी हां, अक्सर ट्रेनों में लंबे सफर के मुसाफिरों को सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो है खाने की। खाना मिलता भी है तो दुगने दामों में, अब ये परेशानी होगी दूर। सिर्फ 20 रुपये में क्वालिटी वाला खाना वो भी फुल मिलेगा हर यात्री को, जिसके लिए भारतीय रेलवे नॉर्थ ईस्ट विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया है। बसवा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। बसवा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना गुलबर्गा तालुका के बबलाद गांव के पास हुई है। AC A1 बोगी का ग्लास टूटकर टुकड़े टुकड़े हुआ है। इस पत्थरबाजी से बसवा एक्सप्रेस इंजन पर भी पथराव किया गया है। इसी दौरान बसवा एक्सप्रेस बागलकोट मैसूरू के बीच हर रोज चलती है। इस मार्ग पर पिछली रात को घटी है ये घटना। वाड़ी रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, यात्री हैं सुरक्षित। कश्ती पलटी समंदर की लहरों में। मंगलुरु में मालपे बंदरगाह आते समय कश्ती पलट गई तो गहरे समंदर की लहरों में फंसी कश्ती में सवार 5 मछुआरों को डूबने से बचाया। दूसरी कश्ती में सवार मछुआरों ने, जो तमिलनाडु के मछुआरे बताए जा रहे हैं, अक्सर ऐसे खतरनाक लहरों में कश्तियां पलट जाती हैं और मछुआरे भी डूब जाते हैं। मगर इनकी किस्मत अच्छी थी कि करीब ही एक दूसरी कश्ती चल रही थी। हालांकि समंदर किनारे बारिश कम थी मगर लहरें तेजी से उफान पर दौड़ रही थी। ऐसे मौसमों में मछुआरों को समंदर के करीब जाने से भी रोका जाता है। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं समंदर में। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा के कदम उठाने की आवाज लगाई इन मछुआरों ने। बीजेपी ने की राज्यपाल से शिकायत। बीजेपी नेता पद यात्रा करते हुए राजभवन पहुंचे। विधानसभा में कल की घटना को लेकर राज्यपाल से शिकायत। बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के ने राज्यपाल से की शिकायत। कल सदन में हुए हंगामे के बाद सदन के नियम और स्पीकर के अपमान में 10 बीजेपी विधायकों को सदन से निलंबित किया गया है। इस सेशन के खत्म होने तक। इसी बीच HD कुमार स्वामी भी राजभवन पहुंचे। HD कुमार स्वामी ने भाजपा नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से शिकायत की, तो वहीं स्पीकर UT कादर और डेप्यूटी स्पीकर ने भी राज्यपाल को कल हुए सदन में हंगामे की पूरी रिपोर्ट पेश की है। इससे पहले विधानसभा के बाहर भी गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते नजर आए भाजपा के नेता। इसी को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं बीजेपी वाले। बीजापुर जिला कलेक्टर की चेतावनी, सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ DC का एक्शन। पिछले दिनों बीजापुर तालुका के नागनूर ग्राम में SC समाज के सामाजिक बहिष्कार की खबरें आने और इसी के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए थे, जिसके चलते आज बीजापुर जिला अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस जगह तहसीलदार, DYSP और अन्य अधिकारियों को जाँच के लिए रवाना किया गया है। जाँच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों में भी जागरूकता पैदा हो ताकि ऐसे समाज घातक शक्तियों की हरकतों से जनता सावधान रहे, जिससे समाज में समानता बरकरार रहे, कहा जिला कलेक्टर T भूबालन ने।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है, अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।